दीव एज्युकेशन ऑफिस खाते योजवामां आव्यु बे दिवसीय एज्युकेशन इनोवेशन फेर कार्यक्रमनुं आयोजन। केंद्र शासित प्रदेश दीव खाते एज्युकेशन ने वेग आपवा तथा विद्यार्थीओ सहेलाईथी भणी शके तेने लईने आजे एज्युकेशन विभागना समग्र शिक्षा दीव द्वारा बे दिवसीय एज्युकेशन इनोवेशन फेरनुं आयोजन करवामां आव्युं हतुं। आजरोज डेप्यूटी कलेक्टर विवेक कुमार, मामलतदार धर्मेश दमणिया, एकाउंट ऑफिसर मनोज कामलिया, एज्युकेशन ऑफिसर एके सिंह तथा पीयूष मारू वगैरे द्वारा रिबीन खोली उद्घाटन करवामां आव्यो तथा डेप्यूटी कलेक्टर विवेक कुमारे शब्दोना माध्यमथी जाहेर जनता माटे पण आ एज्युकेशन इनोवेशन फेरने खुल्लो मूकवामां आव्यो हतो। बाद उपस्थित दरेक लोको, शिक्षको तथा विद्यार्थीओ द्वारा बनावामां आवेल दरेक प्रोजेक्टनी बारीकीथी समजण मेळवी अने निरीक्षण कर्युं हतुं। आ कार्यक्रममां दीव जिल्लानी दरेक स्कूलना कुल 40 जेटला प्रोजेक्टो मूकवामां आव्या हता। यहां पे पिक्चर है और वो ही फेस्टिवल में हम क्या क्या यूज करते हैं वो यहां पर दिया है। बहुत बढ़िया। ये चक्र घुमाया कोई भी घुमा लीजिए कैसे भी। हाँ, कोई भी घुमाया बच्चे इधर जिसका चित्र आएगा। अच्छा, वो पहले फोटो है कंट्री का नाम हो तो आसानी से याद करने में हमको दिक्कत होती है, तो फिर मैंने ये गेम सोची कि मेमोरी चैलेंज गेम जिसमें पहली बच्ची कोई स्टेट का नाम बताएगी, दूसरी डेजर्ट थार या राजस्थान, दिस इज गुजरात एंड दिस इज राजस्थान। ओके, सो समहाउ इट इज लेट्स बी प्रोजेक्ट एंड इनोवेशन इज बेस्ड ऑन हैपन सभी को प्रोजेक्ट दिए हैं सर। हाँ, और उन्होंने बनाया है, कुछ गलतियाँ भी रहेंगी, कुछ हो सकती है। एट वन प्लेस वी कैन प्लेस दिस लाइक दैट, सो हियर वी कैन की फोर स्क्वायर नंबर टू इवन नंबर एट टू फोर सिक्स थ्री टेन। तो बताएं राज्य और राजधानी जल्दी से याद नहीं कर रहा और ये इसमें भी एक है वो समय रेखा भारत के बीच से वो समय रेखा प्रमाण। तीसरा, ये यहाँ पर मैंने 3D ग्लास लगाया है जो रेड और श्यान में है। यहाँ पर पीछे हम मोबाइल स्क्रीन पर 3D मूवी चला के बच्चों को 3D मूवी दिखा जो बच्चों को लगे कि हाँ वाकई अद्वितीय जगह जाकर आए। अरे जो पढ़ाया हुआ है उसी का मैंने अपना वीडियो बनाया है, इसमें मैंने QR कोड भी बनाया है, बच्चों को स्कैन करके हम जो पढ़ना है।
इससे क्या होगा कि डिवीजन, कोई बात नहीं सर, हमारे कैनवास पेंटिंग है मेरे पास, तो जो भी जरूरत पड़े हम देने के लिए तैयार हैं। थैंक यू सर। नई सूचना है क्या आपकी? सर, जब प्राथमिक और पूर्व प्राथमिक के बच्चे आते हैं हमारे स्कूल पे, तो पॉलिश ब्लैंक स्लेट की तरह होते हैं, तो बच्चे को पहले हम चित्र के साथ जो वर्णमाला सिखाते हैं, और उसके बाद रमत के, और यहाँ पे ब्लैंक स्पेस है वहाँ पे बच्चों रख के सीखते हैं। और सर, पूरे ये इबारक भी बनाई है जो बच्चे स्वर और व्यंजन के साथ सीखते हैं। अच्छा प्रयास है, बेस्ट विशेष, डू द सेम। कोई ऐसा माइंड में मत लेना कि हमारे पास नहीं है, हम सब क्लोज सर, वो वाला सर, वो वाला देखा। जिला स्तर पे शिक्षा विभाग के द्वारा एजुकेशन इनोवेशन फेयर आयोजित किया गया है, और इसके माध्यम से शिक्षकों की उपस्थिति के अवसर पे जो नए नए शिक्षक शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों के सम्मुख रखे गए हैं, उनके माध्यम से ये संदेश है कि नूतन विचार, नूतन नवाचार से हम शिक्षा जगत में नई उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। और आज के इस परिश्रम को देखते हुए हमें लगता है कि ये जो गतिविधियां हैं, ये भविष्य में हमारे छात्रों के लिए नया मार्गदर्शन करेंगी, और उनको नए तरीके से अपने कौशल को समझने का अवसर देंगी, और साथ ही साथ शिक्षा जगत में उनके द्वारा कुछ नए नूतन जो लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने में उनको सहयोग करेंगी। इसके लिए मैं विशेष तौर पर समग्र शिक्षा अभियान के संयोजक आर के सिंह जी को साधुवाद देता हूं, और इस तरह के कार्यक्रम विद्यार्थियों के लिए एक उत्साह और नूतन चीज़ें सीखने का सबसे श्रेष्ठ अवसर है, और मैं चाहूँगा कि दीव जिले के जो विद्यार्थी हैं वो इस प्रांगण में आए, और जो नए इन्होंने प्रतीकों के माध्यम से, नवाचार के माध्यम से जो आयोजन किया है उसके माध्यम से अपना ज्ञानवर्धन करें। थैंक यू।